नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न एडिनियम स्टेम स्कल्पचर यानी कि कैसे एडिनियम के स्टेम को एक केज के शेप में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस यूनिक प्रोजेक्ट के लिए हमें 1 से 2 फीट के ऐसे लंबे एडिनियम प्लांट को चूज करना है और ये प्लांट मैच्योर होना बहुत ही जरूरी है। मैच्योर यानी कि एडिनियम की स्टेम पर कुछ इस तरह के रिंकल्स पड़ी हो तो ये प्लांट मैच्योर है। इसके बाद हमें इस एडिनियम प्लांट की स्टेम पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। और दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हमें मार्क कर लेना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमें कट करना है और हमें एंड तक यानी कि इसका जो एंड पॉइंट है वहां तक हमें एडिनियम के स्टेम को कट करना है, यहां तक। इसके बाद एक डिसइंफेक्ट किए हुए कटर से झिक झैक करके इस तरह से मार्क की हुई स्ट्रेट लाइन पर वर्टिकल हमें एडिनियम के स्टेम को नीचे तक यानी कि जहां हमने बॉटम पर मार्क किया था वहां तक हमें कट करके ले जाना है। और एडिनियम की जो स्टेम है इसको बिल्कुल सेंटर से 2 हिस्सों में कट कर लेना है। ये काम जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं इजीली कट कर सकता हूँ। आप इसे केयरफुली टाइम देकर और किसी की सहायता से इस प्लांट को 2 हिस्से में कट कीजिएगा। मैंने एडिनियम के स्टेम को 6 इंच के पोर्शन में इक्वली कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब एक वुडन स्टिक को नीचे और दूसरी वुडन स्टिक को ऊपर कुछ इस तरह से फिट करें ताकि दूसरी साइड को हम आसानी से कट कर सके। अब एडिनियम की इस साइड को भी हमें कट करना है। इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बीच में जैसे हमने पहले ड्रॉ की थी उसी तरह से हमें ड्रॉ करना है। हमें एक स्टेम में से 4 पोर्शन बनाना है और जो हम चारों पोर्शन कट करेंगे उसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब फिर से हमें एक डिसइंफेक्ट किए हुए कटर से हमने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी उसको ऊपर से प्रेशर देकर नीचे तक हमें कट करते जाना है। दोस्तों, हमने जो वुडन स्टिक फिट की थी इससे ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। दोस्तों, जब हम नीचे की ओर कट करते जाते हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बॉटम पर जो मार्किंग पॉइंट रखा था उससे नीचे हमें कट नहीं करना है, यहाँ तक। और दोस्तों, इसी तरह से हमें दूसरी साइड पर भी एक कट लगा देना है। इस तरह से हम एडिनियम के स्टेम को चारों हिस्सों में कट कर लेंगे। दोस्तों, एडिनियम प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप कुछ इस तरह के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप दूसरे प्लांट में नहीं कर सकते, यही एडिनियम प्लांट की स्पेशियलिटी है। हमने एडिनियम के 6 इंच के पोर्शन को कुछ इस तरह से 4 हिस्सों में इक्वली पार्ट में कट कर दिया है। इसमें भी आप वुडन स्टिक लगाकर इसे कुछ इस तरह से सेट कर ले। अब एक ऐसा फ्लेक्सिबल वायर लीजिए और हमने एडिनियम के स्टेम को जिस जगह पर कट किया था उस गैप में कुछ इस तरह से रख ले। हमने जो 4 कट किए थे उस चारों कट के गैप में हमें इस वायर को प्लेस कर देना है। इन चारों वायरों को हमें ऊपर हमने जहां मार्क किया था उसके 1 इंच ऊपर तक कुछ इस तरह से रखना है। अब हमें एक टाई लेनी है कुछ इस तरह की और इस टाई को हमें बॉटम पर हमने जहां मार्क किया था उस जगह पर अच्छे से टाई कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से टाई करने से हमने जो कट किया था यानी कि स्टेम को हमने जो कट किया था वो कट नीचे की ओर ना बढ़े, इसीलिए हमें इस टाई को कुछ इस तरह से टाई कर लेना है अच्छे से। एक बार जब ये चारों वायर हमने जो कट किए थे उसमें अच्छे से सेट हो जाए इसके बाद एक टाई लेना है और हमने जहां मार्क किया था उसकी थोड़े से ऊपर इस टाई से
इन चारों वायर को टाइटली क्लोज कर देना है, यानी कि अच्छे से बांध लेना है। हमें इन चारों वायर को इतना टाई करना है जिससे कि ये जो वायर है वो नीचे की ओर ना आए। एक बार जब ये चारों वायर टाई से अच्छे से फिट हो जाए, इसके बाद इन वायरों को हमें कुछ इस तरह से बेंड कर लेना है ताकि ये जो वायर है वो नीचे की ओर ना आए। दोस्तों, ये काम आपको जितना आसान दिख रहा है उतना ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको किसी और की सहायता लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो वायर्स हैं वो स्लॉट में अच्छे से फिट होने ही चाहिए, नहीं तर ये जो आप एडिनियम का शेप है वो बिगड़ सकता है। अगर वायर्स को स्लॉट में फिट करने में आपको प्रॉब्लम आता हो तो एक काम कीजिए, आप वुडन स्टिक को फिर से इन स्लॉट में कुछ इस तरह से फिट कर दीजिए ताकि ये जो वायर्स है वो इजीली इस स्लॉट में आप सेट कर सको। दोस्तों, इस काम में भले ही थोड़ा टाइम जाए पर आपको वायर्स को हर एक स्लॉट में अच्छे से फिट करना ही है, नहीं तर क्या होगा, ये जो आप एडिनियम का स्टेम हमने कट किया है वो उनका शेप बिगड़ जाएगा और जो आपको शेप डिजायर शेप आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके लिए ये काम करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप हल्के हाथों से इस कटी हुई स्टेम को बाहर खींचिए। अब इस प्रोजेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, हमें एडिनियम के स्टेम को ऊपर से बिल्कुल ही आराम से नीचे की ओर कुछ इस तरह से प्रेस करना है जिससे जो हमने स्टेम कट की थी, यानी कि जो हमने स्ट्रिप कट की थी, वो बाहर की तरह कुछ इस तरह से बेंड हो। अब जो हमने वायर्स ऊपर की ओर टाई किए थे वो सभी वायर्स को एक साथ नीचे की ओर खींचिए। जब हम इन वायर्स को स्लोली स्लोली नीचे की ओर खींचेंगे तब ये जो स्टेम हमने कट की है वो हल्के से बाहर की ओर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम वायर्स को खींचते जाएंगे ये जो स्टेम है वो भी बाहर की ओर बेंड होती जाएगी। दोस्तों, इस वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तर ये स्टेम क्रैक हो जाएगी और आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन एडिनियम की स्टेम्स को, यानी कि कटी हुई स्टेम को कितना बाहर रखना है और कितना नीचे की ओर खींचना है। दोस्तों, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसे ज़्यादा नीचे की ओर ना खींचे, नहीं तर ये क्रैक हो जाएगा। एक बार आपको डिजायर शेप मिल जाए तो इन चारों वायर को आप नीचे हमने जो बॉटम पॉइंट पर मार्क किया था पॉइंट, उस जगह पर टाई से अच्छे से टाई कर ले। सभी वायर्स को नीचे के बॉटम पॉइंट पर टाई करने से हमने जो बेंड किया था वो बेंड ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, ये बेसिक लुक है, आप इसे ट्विस्ट करके बहुत सारे शेप दे सकते हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। एक बार जब आप ये बेसिक सीख जाएंगे, यानी कि ये जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो आप इजीली कर सकेंगे, तो इसके बाद आप बहुत सारे इनोवेटिव स्कल्पचर बना सकते हैं एडिनियम के। दोस्तों, अब हमने जो कट किया है पोर्शन उस पर हम ये सिनेमन स्टिक का पाउडर लगा देंगे, या फिर आप कोई भी फंगीसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं जिससे ये जो हमने पोर्शन कट किया है इस पर कोई फंगल डिजीज ना लगे। इसके बाद हमने जो वायर ऊपर की तरफ बेंड किए थे उसी तरह से नीचे की तरफ से भी हमें जो वायर्स है उसको बेंड कर लेना है ताकि ये फिक्स पोजीशन में ऐसे ही रहे। 15 से 20 दिन के बाद जब ये स्टेम थोड़ी सी ड्राई होगी तब इसका शेप थोड़ा सा चेंज होगा, तब आपको फिर से इसे सेट कर लेना है वायर की सहायता से। इस केज को हमें बिल्कुल बॉटम में या फिर एकदम टॉप पर नहीं बनाना है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक दूसरा केज भी बना सकते हो अगर आपका एडिनियम मेरे एडिनियम प्लांट की तरह लंबा हो तो। दोस्तों, एक बार जब ये स्कल्पचर तैयार हो जाए तो इसे किसी भी वुडन स्टिक से कुछ इस तरह से टाई कर ले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।